साथियों जय हिंद। आज हिंदुओं की दिवाली है और नकली अम्बेडकरवादियों का दीपदान है। अब दिवाली और दीपदान में अंतर क्या है? जो लोग बाबा साहब की बात तो करते हैं और बाबा साहब की बात ना मान के उन्हीं परंपराओं में घिरे पड़े हैं, जिनके बच्चे या जो वो लोग अपने बच्चों को वो बात नहीं समझाते नहीं बताते, अब उनकी मर्जी के बगैर उनके बच्चे दिवाली मनाते हैं। अब जब दिवाली मनाते हैं, अब डॉक्टर साहब जैसे लोग उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, भाई तुम तो बड़ी मंचों पर बड़ी बड़ी बात करते हो और तुम्हारे बच्चे तो दिवाली मना रहे हैं। अब वो बड़े परेशान कि भाई क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। तो बोले भाई इसमें कुछ किया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। फिर वो कहते हैं देखो जी सुनो, बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग अपनाओ। फिर वो ऐसी कहानी बताएंगे कि देखो बुद्ध कह रहे हैं कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाए, इतने ढीले मत छोड़ो जो सुर ना दे, तो मध्यम मार्ग अपनाओ। तो हम मध्यम मार्ग अपना लेते हैं, हम दीपदान मनाते हैं। अब दीपदान का मतलब होता है दीप और दान, या तो वो दीपक दान में लिया हुआ हो या दीपक दान में दिया हो। अब ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है, दीपक ही जलता है। लेकिन उन्होंने दिवाली मनाने का एक नायाब तरीका ढूंढा और नाम दिया दीपदान। और जब हम अपने घर का दुकान का किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, एक दिन होता है, क्या हम उस उद्घाटन हर साल करते हैं? नहीं करते। अब ये लोग इसमें कहते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और उनका एक ही दिन में उद्घाटन किया दीप जला के। अब उस वक्त अशोक सम्राट ने कर दिया होगा, ये इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया है माना है तो मान लेते हैं। तो क्या हर वर्ष सम्राट अशोक इस उत्सव को मनाते थे? इसका कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी बात, हम भी अपने घर का उद्घाटन करते हैं तो क्या हम हर साल उसी तारीख को रोजाना उद्घाटन करते हैं उसी दिन? नहीं करते। उस वक्त सम्राट अशोक ने दीपदान मनाया मन गया। अब हम क्या, अब लोग दूसरी तार की ये कहते हैं कि जी खोज के हमने निकाला है। अब खोज के तुमने निकाला है तो ये दिवाली के दिन ही क्यों आता है? हिंदुओं की दिवाली के दिन ही क्यों आता है? लेकिन जो बात है वो ये है कि वो लोग दीप दान की आड़ में दिवाली मनाना चाहते हैं ताकि बचे रहें। उधर हिंदूवादी लोगों से भी ये कह दें कि नहीं नहीं भाई साहब हम ही मनाते हैं। इधर बौद्धों से भी ये कह दें कि नहीं नहीं हम तो दिवाली नहीं मनाते, हम तो दीपदान मनाते हैं। तस्वीर बदल देते हैं। तस्वीर बदली गई है, जहाँ लक्ष्मी गणेश की होती थी वहाँ बाबा साहब और बुद्ध की रख दी है। अभी रात को देखना, रात को ही पढ़ने लग जाएगा आडंबर, बुद्ध की फ़ोटो होगी, बाबा साहब की फ़ोटो होगी, नोटों की गड्डी रखी होगी, मिठाई का डब्बा रखा होगा, तिलक लगे होंगे, सारी चीज़ होंगी, सिर्फ फ़ोटो बदलेगी। तो ये दीपदान वो लोग मनाते हैं जो हिंदूवादी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसी में रहना चाहते हैं, दोनों व्यवस्थाओं में कायम रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना के इस चीज़ को बना दिया। लेकिन हमारे महापुरुषों के इतने उत्सव हैं कि अगर हम हर महीने भी एक महापुरुष की जयंती मनाएं तो एक महीने में कम से कम 3 या 4 महापुरुषों की जयंती आएंगी और आपके पैसे कम पड़ जाएंगे, आपके घर में खाने पीने का सामान कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ कम नहीं पड़ेंगी। इसलिए अगर मनुष्य प्रवृत्ति है, महिला प्रवृत्ति है, खाना पीना अच्छा पहनना ओढ़ना नाचना गाना ये महिला प्रवृत्ति है, इसलिए महिलाओं को कोई ना कोई ऐसा उत्सव चाहिए जिस पर वो अच्छा श्रृंगार कर सकें, नाच सकें, गा सकें। उसके लिए बाबा साहब ने बहुत सारे उत्सव बनाए हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमारे उत्सव तीर्थ स्थान बताए हैं कि हमें कहाँ घूमने जाना है,
कौन कौन से उत्सव मनाने हैं, बुद्ध पूर्णिमा और 6 दिसंबर है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा है, और बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, इनके जन्मदिन, साहू जी महाराज का जन्मदिन, साहू जी महाराज के जन्मदिन के बारे में बाबा साहब खुद कह के गए हैं कि हमें बाबा साहू जी महाराज का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में सबसे बड़ा हाथ साहू जी महाराज का था, इसलिए हमें साहू जी महाराज की जयंती भी बड़े उत्सव के साथ और बड़े जोर शोर पर, बड़े ऊंचे लेवल पर मनानी चाहिए। इसलिए हमें दिवाली, दीपदान ऐसे आडंबरों से बच के हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ बड़े शालीन ढंग से मनानी चाहिए। उसके मनाने के भी तरीके हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहने, घर में खीर बनाएं, पड़ोसी को ज़रूर बताएं कि भाई आज का खाना आप हमारे यहाँ खाएंगे, जो उस परंपरा से नहीं है उन्हें अपने घर लाएं और दिखाएं कि हमारे उत्सव ऐसे होते हैं, ताकि वो आपके उत्सवों से, आपके पहनने की वेशभूषा से, आपके बोलने चालने से वो प्रभावित हो सके और बौद्ध धर्म का उस पर प्रभाव पड़ सके। इसलिए हमें हमारे सारे जितने भी उत्सव हैं बड़े अच्छे तरीके से मनाने चाहिए। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, आज उत्सव है, पैसे 4 जेब में आ गए हैं तो बाहर खाना खाने जाएंगे, घर बुलाना तो दूर, बनिए की दुकान पे जाएंगे, वहाँ खाना खा के आएंगे, जो चीज़ 10 रुपये की उसे 100 रुपये में खा के आएंगे। लेकिन ये चीज़ हमें घर में करनी चाहिए, ज़्यादा पकवान ना बनाएं, कम बना लें, लेकिन पड़ोसी को ज़रूर खाने पर बुलाएं, अगर खाने पर वो नहीं आ रहे किसी वजह से तो उनके घर पहुँचाएँ। हाँ, जब तक हम ऐसी परंपरा नहीं डालेंगे हमारा भाईचारा कायम नहीं होगा। इसलिए ये जितनी भी हमारे उत्सव हैं उसमें अच्छे से पकवान बना के पड़ोसी तक बुलाएं, इनवाइट करें, और अगर वो नहीं भी आ रहे हैं या एक व्यक्ति आ भी गया तो 2 व्यक्तियों का उसके साथ बांधें कि नहीं ये घर ले जाके बच्चे हैं या और हैं उनको खिलाएं।